वेलकम एवरीवन, वेलकम टू मंडे नाइट रॉ। मैं पार्थ पंड्या हूँ टेम्पा फ्लोरिडा से। रॉ का पहला एपिसोड लाइव ब्रॉडकास्ट और अपना पहले मैच की ओर बढ़ते हुए टोनी नीस द प्रीमियर एथलीट चांस मिला था उनको एनएक्सटी में और 205 लाइव की जो क्रूजर वेट की टूर्नामेंट हुई थी उसमें वहां से छा गए और आ चुके हैं रो में। किस्मत आजमाने क्योंकि क्रूजरवेट डिवीजन रो का हिस्सा है और क्रूजरवेट चैंपियनशिप भी यहाँ ही रहेगी, साथ में रो टैग टीम चैंपियनशिप, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और यूनिवर्सल चैंपियनशिप जो कि ब्रॉक लेसनर के पास है। और जैसा कि आज हमने पहले ही सुना एपिसोड की शुरुआत में कि कर्ट एंगल जनरल मैनेजर है और उन्होंने अपना पहला एक्शन अनाउंस किया है और आज हमें देखने को मिलेगा मेन इवेंट में डेनियल ब्रायन वर्सेस जॉन सीना नंबर वन कंटेंडर्स मैच। जो भी ये मैच जीतेगा उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच की ब्रॉक लेसनर के सामने और वो भी एलिमिनेशन चैम्बर पे पर व्यू में। तो शुरुआत करते हैं आज की एपिसोड की और टोनी नीस इस एपिसोड को शुरुआत करेंगे इस एपिसोड की। उनका मैच है द करंट रेनिंग चैंपियन, रेनिंग क्रूजर वेट चैंपियन मुस्तफा आलिम। टोनी नीस में पोटेंशियल है वो कि वो एक बड़े स्टार बन सके और इसीलिए वो यहाँ पे आए हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्टार की इंडो पाकिस्तान इंडो पाक रेसलर मुस्तफा आलिम द क्रूजरवेट चैंपियन हिडेओ इटामी को अपने पहले ही टाइटल डिफेंस में हरा के ये चैंपियनशिप हासिल की थी क्योंकि उनसे वो अपॉर्चुनिटी हिडेओ इटामी ने छीन ली थी और क्योंकि उन्होंने कैश इन करवा लिया था तो उन्हें हकदार थे वो उस मैच के लिए और उन्हें वो मैच मिला। तो ये थोड़ी बहुत ही बड़ी बात है मुस्तफा आलिम के लिए क्योंकि उन्हें पहले ही मौके में तो नहीं मिली लेकिन दूसरे मौके पे जब उन्हें चांस मिला तो उन्हें उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर कैसे चैलेंज करके चैंपियनशिप हासिल कर ली, ये बहुत ही बड़ी बात है। और करते हैं अपने पहले ही मैच की आज की शुरुआत। पहला एपिसोड ड्रॉ का धमाकेदार शुरुआत और ये मैच का बेल बज चुका है। रेफरी ने इशारा कर दिया है टोनी नीस तो ऑफ करते हुए दिखाते हुए अपनी बॉडी और मुस्तफा आलिम कोई भी टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा एक एल्बो से शुरुआत की है और दोनों में हीटेड कॉन्वर्सेशन मैच के बीच बातें कर रहे हैं और ये देखिए रिवर्स और ये पहले ही टोनी नीस ने पिन किया स्मॉल पैकेज होल्ड लेकिन एक पे किक आउट कर लिया मुस्तफा आलिम ने। क्लोज कॉल हो सकता था लेकिन मुस्तफा आलिम ने पहले ही ये देखिए स्टॉम्प कर रहे हैं आलिम पे टोनी नीस। टोनी नीस एक ऐसा खिलाड़ी है कि उन्हें जब वो बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है या छोटी अपॉर्चुनिटी मिलती है कोई भी मैच हो वो अपना बेस्ट देते हैं, वो हर एक मैच को बड़े मैच की तरह लेते हैं और अपना परफॉर्मेंस अपने 100% देते हैं। मुस्तफा आलिम ने टॉप रोप वो मुस्तफा आलिम को भेज दिया टोनी नीस ने टॉप रोप बाहर बाहर थोड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। ओह माय गॉड सुप्लेक्स फ्लोर पे मुस्तफा आलिम को टोनी नीस के द्वारा। अगर आज टोनी नीस मुस्तफा आलिम को हरा सकते हैं तो बहुत बड़ी विक्ट्री होगी उनके लिए। तो ये आज पहला एपिसोड शुरुआत मैच ओह माय गॉड बहुत बढ़िया नेट ब्रेकर स्प्रिंग बोर्ड नेट ब्रेकर और पिन के लिए गए हैं वन नेट ब्रेक किक आउट। जैसा कि मैं बोल रहा था कि स्मैकडाउन का पहला एपिसोड बहुत ही बढ़िया शुरुआत हुई है और आशा करता हूँ कि सभी लोगों को मज़ा भी आया होगा और ऐसे ही देखते रहिएगा एपिसोड। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी मैं आपको ऊपर आई बटन में आपको लिंक देखने को मिलेगी। पहला एपिसोड शायद आपने ना देखा हो तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं लिंक भेज दूँगा वहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया डाइव लेकिन चुप गए मुस्तफा आलिम टाइम पर खड़े हो गए। वेट करते हुए और ये देखिए बहुत ही बढ़िया सनसेट फ्लिप मुस्तफा आलिम ओह माय गॉड पावर बॉम्ब शानदार मूव मुस्तफा आलिम की तरफ से। टोनी नीस भी कोई टाइम वेस्ट ना करते हुए खड़े हो गए रशियन लेग स्वीप के साथ। मुस्तफा आलिम ने एक बार फिर से टोनी नीस को गिरा दिया। मुस्तफा आलिम टॉप रोप पे जाते हुए स्पीड देखिए आप उनकी
लेकिन टोनी नीच भी खड़े हो गए, बहुत ही बढ़िया स्लैम भी है उनको पटक दिया टोनी नीच ने। ये देखिए मून सॉल्ट, ओह माय गॉड, उनके लेग कनेक्ट हुए मुस्तफा अली चेस्ट पे। और ये देखिए मुस्तफा अली कह रहे हैं ये है आपके क्रूज़रवेट चैंपियन, ये है क्रूज़रवेट चैंपियन। ट्रैश टॉक कर रहे हैं लोग रिंग में। ओह माय गॉड, ये क्या कर रहे हैं, ओह माय गॉड, टर्न बकल पैड हटा दिया, ओह माय गॉड। ये देखिए मुस्तफा अली स्नैप जर्मन सुप्रेक्स लेके ड्रॉप ब्रेक अली, ओह माय गॉड। लेकिन फिर भी टोनी नीस फाइट बैक, बहुत ही बढ़िया फाइट दे रहे हैं। नो, ओह माय गॉड, मुस्तफा अली को सीधा टर्न बकल पे उनका हेड बाउंस कर दिया। और ये देखिए कुछ नया करने की कोशिश, ओह माय गॉड, वाह की ओर फेंक दिया टोनी नीस ने मुस्तफा अली को। मुस्तफा अली अपने नेवर गिव अप एटीट्यूड के लिए ही जाने जाते हैं। बहुत लोग तो उन्हें ये कहते हैं कि वो क्रूज़रवेट डिवीज़न के जॉन सीना भी हैं। बहुत ही अच्छी बात है, कॉम्प्लीमेंट है ये। देखते हैं कि क्या आज उन्नीस अनथिंकेबल कर सकते हैं, ओह माय गॉड ड्रॉप किक, या फिर मुस्तफा अली अपना परफॉर्मेंस जारी रखेंगे एज अ चैंपियन। अभी तक हारे नहीं है जब से उन्हें उनके पास चैंपियनशिप आई है। बहुत ही बढ़िया के शानदार कॉम्बो देखने को मिला, ओह माय गॉड, स्लिंगशॉट नेक ब्रेकर, और ये पिन के लिए गया है। 1 2 नहीं, ये दोनों पहले भी भिड़ चुके हैं, पहले भी इन दोनों का मैच हुआ था, लेकिन टोनी नीस तब हार गए थे। लेकिन इस बार उनके पास मौका है साबित करने का कि वो एक क्रूज़रवेट चैंपियनशिप मटेरियल है, वो उन्हें हरा के वो दिखा सकते हैं, वो बात साबित कर सकते हैं। लेकिन आज ये मौका है तो उन्हें वो अपॉर्चुनिटी के ऊपर कैपिटलाइज करना ही चाहिए। क्योंकि तो ओह माय गॉड दिलाया, और मुस्तफा अली वो जाल में फंस चुके हैं। और ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बो नीस के द्वारा, नीस अब शायद टॉप रोप पे, जी हाँ वो टॉप रोप पे ही जा रहे हैं टोनी नीस। ओह माय गॉड, मूनसॉल्ट, टॉप रोप से मूनसॉल्ट दिया है, पिन के लिए गए हैं, शायद ये काफी हो सकता है। और जी नहीं, और टोनी नीस आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं रेफ से, रेफ ने बोल दिया कि टीम नहीं है, किक आउट किया था शायद 2.9 या 2.7 था। और अच्छा मैच हमें देखने को मिल रहा है। और पहले एपिसोड में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुस्तफा अली ने रिवर्स किया है दूसरी बार, कॉम्बो की कोशिश की, लेकिन टोनी नीस ने भी काउंटर किया चौक से। ओह माय गॉड, सुपर है मुस्तफा अली। और टोनी नीस टोनी नीस ने सुपर किक की है, क्या सीक्वेंस देखने को मिली, मूनसॉल्ट स्प्रिंगबोर्ड मूनसॉल्ट, क्या सीक्वेंस हमें देखने को मिली है, गजब मुकाबला, काफी काफी अच्छा हो रहा है, काफी अच्छा। और टोनी नीस वो सोच रहे हैं, टोनी नीस ओ माय गॉड, टॉप रोप पे लेके मुस्तफा अली ने उनको पकड़ लिया। और ये पावर बॉम्ब, मुस्तफा अली ने उनको मिड एयर में ही कैच कर लिया। और ओह माय गॉड, इन्वर्टेड 450, ओह 54 स्प्लैश, उनकी फिनिशिंग मूव ओह 54 स्प्लैश, पिन के लिए गए हैं 1 2 3। मुस्तफा अली ने पिन कर दिया टोनी नीस को। एंडिंग सीक्वेंस बहुत ही बढ़िया, पहले मुस्तफा अली ने सुपर किक मारी, फिर रिवर्सल देके टोनी नीस ने, फिर वो पावर बॉम्ब के लिए गए, लेकिन माफ कीजिएगा, फिर वो हरिकराना के लिए गए, लेकिन मुस्तफा अली ने उन्हें मिड एयर में ही कैच कर लिया और पावर बॉम्ब दे दिया। क्या स्ट्रेंथ है मुस्तफा अली की। और फिर उन्होंने ओ 54 स्प्लैश लगाया उनकी फिनिशिंग मूव और मैच की समाप्ति। शॉर्ट मैच था लेकिन बहुत ही बढ़िया शुरुआत रॉकी, और आगे बहुत ही अच्छे मैच और बहुत ही सफर तय करना अभी बाकी है। तो बहुत मैं आपको प्रॉमिस दे रहा हूँ कि आप सबको बहुत ही
एक्साइटिंग मैचेस और कंपेलिंग स्टोरी लाइन्स आपको देखने को मिलेगी, तो बने रहिएगा। और मुस्तफा अली ने मैच में परफॉर्मेंस दिया और दिखाया कि क्यों वो एक क्रूज़रवेट चैंपियन है। बहुत ही शानदार मैच, और ऐसे ही मैच हमें वीकली देखने को मिले तो कौन नहीं देखेगा, क्योंकि रेसलिंग वर्ल्ड यही कंटेंट प्रोवाइड करती है। हर एक बार, हर एक वीक अच्छे से अच्छे एपिसोड आएंगे और अच्छे से अच्छे मैच देखने को मिलेंगे। लेकिन टैम्पा फ्लोरिडा में आ चुके हैं हमारे करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन द बिग डॉग रोमन रेंस, और क्या जज रही है उन्हें ये चैंपियनशिप। अभी कुछ दिनों पहले ही वो जीते हैं, तो आज देखेंगे कि रोमन रेंस क्या एड्रेस करना चाहते हैं। उन्होंने कर्ट एंगल से मांग की थी कि उन्हें कुछ मैसेज पहुंचाना है WWE यूनिवर्स फैंस को और सभी लोकल रूम में सभी रेसलर्स को, तो आज वो वही मैसेज लेने यहीं पे आ रहे हैं, अपनी रिंग की तरफ बढ़ रहे हैं वो। और क्राउड रिएक्शन देखिए, रोमन रेंस बहुत ही बढ़िया रेसलर, इनके लिए क्या बात की, सब कम है उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए। तो फिर क्या अगर आप मेरी माने तो रेंज ऐसे खिलाड़ी हैं, उनका मैच जब होता है तो ऐसे वो, उन्होंने पहले भी कहा है कि वो हर एक मैच को अपना आखिरी मैच और अपना बेस्ट मैच देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही मान के वो चलते हैं कि हर एक मैच उनके करियर का सबसे बेस्ट मैच है और शायद उनका आखिरी मैच है। उन्होंने ये पहले भी इंटरव्यू में कहा है, तो रेंज जैसे खिलाड़ी के पास अगर ये चैंपियनशिप है तो मानो कि हमें जो मैच देखने को मिलने वाले हैं वो हमारे ड्रीम मैचेस हो सकते हैं, और शायद सभी मैच वो फाइव स्टार मैचेस हो सकते हैं, क्योंकि रोमन रेंस में इतना पोटेंशियल है कि किसी भी ओपोनेंट को उनके सामने छोड़ दिया जाए वो उनमें से बेस्ट निकालते हैं और उनको हराते भी हैं। अब हम सुनेंगे उनसे। तारीफ कर रहे हैं वो, ओ माय गॉड ये तो चैलेंज है, ओ माय गॉड बॉबी रूड यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ओ माय गॉड ये तो मुंह पे थप्पड़ है, बहुत ही बढ़िया जवाब, बड़े शब्द। ओ माय लॉर्ड, बॉबी रूड ने जो स्टेटमेंट दिया है अभी इसी वक्त जो दिया है, रोमन रेंस कुछ बोल ही नहीं पाए। बॉबी रूड कह रहे थे कि उनके पास ये चैंपियनशिप ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी और उन्हें वो टाइटल प्रेस्टिजियस के बजाय इररिलेवेंट हो गया है। रोमन रेंस भी जाते हुए बैक स्टेज की ओर, और वो देख, ओ माय गॉड केविन ओवंस यहाँ क्या कर रहे हैं। Oh my god, Roman Reigns! Oh my god, Papa! Powerbomb floor pe! Kevin Owens ne ye kya kar diya? Big Dog ko Papa Powerbomb floor pe! Inke kya hota hai wo hum dekhenge baad mein, lekin ab hum aage badhte hain apna tag team match, The Bar versus The Street Profits. Aapko bata dun ki The Bar Raw tag team champions hai, करंट रॉ टैग टीम चैंपियंस हजारों और सेमस। अगर हम बात करें इन दोनों की, हजारों और सेमस की, तो सेमस ग्रैंड स्लैम चैंपियन है, सभी टाइटल्स उन्होंने जीते हैं, उनका करियर काफी कम टाइम में उन्होंने काफी कुछ कमा लिया है। WWE में हजारों भी काफी टैलेंटेड रेसलर, और इन
इन दो ये दोनों रेसलर आपको बता दूं कि पहले एक दूसरे के एनिमीज थे, इतने कट्टर दुश्मन थे कि जब भी वो एक दूसरे को देखते थे वहीं घमासान लड़ाई शुरू हो जाती थी। लेकिन जब मिक फोली ने इन दोनों को टैग टीम डिवीजन में एक साथ टैग टीम बना के उतारा तो इन दोनों ने टैग टीम डिवीजन को तहस नहस कर दिया। स्मैकडाउन के फॉर्मर स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन रॉ टैग टू टाइम रॉ टैग टीम चैंपियन हमारे यूनिवर्स मोड के, तो इन दोनों ने तो जो कमाल किया है टैग टीम डिवीजन में शायद ही वो कर सकता है। आज उन्होंने ये तय किया था कि वो एक नई टीम को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं उनसे लड़ने की, और वो अपॉर्चुनिटी मिली है एनएक्सटी की टैग टीम स्ट्रीट प्रॉफिट्स को, एंजेलो डॉकिंस और मॉन्टेस फोर्ड अपना डेब्यू करेंगे आज रो में स्ट्रीट प्रॉफिट्स। लेकिन द बार उनका एक स्लोगन है, वी डोंट जस्ट सेट द बार वी आर द बार, फेमस और सजारो काफी कॉन्फिडेंट। लेकिन आज उनका मैच है एंजेलो डॉकिंस और मॉन्टेस फोर्ड, तो उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली है तो शायद परफॉर्मेंस उन्हें देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों की आय इस मैच पे होगी क्योंकि एक एनएक्सटी की उभरते हुए सितारों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है रॉ टैग टीम चैंपियंस के सामने फेस उनको मुकाबला करने की, तो ये अपॉर्चुनिटी वो गवा तो नहीं देने वाले क्योंकि दोनों एक बहुत ही बढ़िया टैग टीम है, केमिस्ट्री भी दोनों की अच्छी है और उनका थीम सॉन्ग बहुत ही बढ़िया है। मैं फ़ैन हूँ इस दोनों का और इस मैच को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे मेन रोस्टर के फैंस को ये दोनों पसंद आएंगे, मेरा वादा है आपको, क्योंकि जब ये दोनों रिंग में खेलते हैं तो एक्साइटमेंट लेवल बहुत नीचे से बहुत ऊपर हो जाते हैं। आज तो वो रो में आए हैं, अपना डेब्यू मैच है तो 100% देंगे, अपना पूरा भरोसा है इन दोनों पे, और तभी तो कर्ट एंगल ने इन दोनों को अपॉर्चुनिटी दी है क्योंकि उनको भी इन पे भरोसा है रॉ टैग टीम चैंपियंस के सामने मौका मिला है खेलने का और ऑफिशियल्स को इम्प्रेस करने का। ये देखिए कॉन्फिडेंट और बहुत ही मजा किया है दोनों, WWE यूनिवर्स फैंस को बहुत ही क्राउड फेवरेट है वो, बहुत ही पसंद है ये दोनों, बहुत ही फेयर फाइट, बहुत ही फेयर खेलते हैं, बहुत ही फेयर फाइट। लेकिन आज इन्हें थोड़ा कस के खेलना पड़ेगा क्योंकि अबार फेयर फाइट में कोई बिलीव नहीं करता, और कॉलर एंड एल्बो टाइप से मैच की शुरुआत हो चुकी है। एंजेलो डॉकिंस ने सजारो को कॉर्नर में खेला है और रेफरी ओ माय गॉड सजारो ने स्लैप दे दी, ओ माय गॉड ये तो हीट बहुत ही हीट ज्यादा हो गई, और फिर से एक बार कॉलर एंड एल्बो टाइप, और फिर से एक बार एंजेलो डॉकिंस ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाकर सजारो को उन्हीं के कॉर्नर में कर दिया। फिर से एक बार रेफरी अलग करेगा, इस बार डॉकिंस ने जवाब दिया है, डॉकिंस ने सेमस और सजारो दोनों ही बहुत ही एंग्री हो गए हैं, और एंजेलो डॉकिंस ने जवाब दिया सेमस और सजारो को, और एंजेलो डॉकिंस ने हेडलॉक लिया है। माय गॉड बहुत ही बढ़िया शॉट, और ट्रांजिशन कर दिया उनको सजारो को, और फिर से एक बार सजारो रिवर्स करते हुए सजारो ने खड़ा होके हेडलॉक ले लिया और ट्रांजिशन करके बहुत ही बढ़िया मूव, बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है वो, सजारो ने उनका हाथ पकड़ा लेकिन बहुत ही बढ़िया रिवर्सल के साथ एंजेलो डॉकिंस कंट्रोल में। ये देखिए सजारो कहते हैं ब्रिंग इट ऑन, कम ऑन चले आइए, ओ माय गॉड, और एंजेलो डॉकिंस सजारो को गिरा दिया बहुत ही बढ़िया। और ये देखिए सेमस को टोरंटो सेमस ये क्या सेमस से वो सह नहीं पाए, वो टॉन्ट और फ्रेंडली नहीं लिया, और ये देखिए अब जो होना था वो तो हो गया, और अब सजारो स्ट्रेंथ देखिए उनकी, ओह माय गॉड एंजेलो डॉकिंस को बटरफ्लाई स्टॉलिंग बटरफ्लाई सुप्लेक्स के साथ पिन के लिए गए हैं, वन एक पे किक आउट, बहुत ही अर्ली पिन कवर लिया था उन्होंने,
एंजेलो डॉकिंस फाइट बैक करते हुए राइट जैब्स बहुत बढ़िया हो रहा है, रिसीव किया अपने कॉर्नर में मोंटेस फोर्ड जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे और उन्हें टैग मिली है, मोंटेस फोर्ड लीगल दोनों टैग टीम मूव शायद हमें देखने को मिलेगा। स्क्वाड बहुत ही बढ़िया डबल एल्बो सीधा उनकी जॉ पे, मोंटेस फोर्ड आ चुके हैं रिंग में, बहुत ही कम उम्र में उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी और उन्होंने अपनी मॉम को प्रॉमिस किया था कि वो एक बड़े स्टार बनेंगे और आज उन्होंने वो कर दिखाया क्योंकि वो आज रो में खेल रहे हैं, रो से बड़ा प्लेटफॉर्म तो उन्हें कहीं पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा क्योंकि डब्ल्यू डब्ल्यू एक ऐसी जगह है कि वो छोटे से छोटी उम्र के सुपरस्टार को भी एक मौका देती है अपने आप को प्रूव करने का, तो वो एक बहुत ही बड़ी बात है। और मोंटेस फोर्ड स्ट्राइक्स करते हुए सजारो को और सजारो ने रिवर्स कर दिया है बहुत ही बढ़िया आर्म बार के साथ और यह बहुत ही बढ़िया रनिंग ड्रॉप किक, माफ कीजिएगा आर्म ड्रैग के साथ उन्होंने रिवर्सल किया था और ड्रॉप किक के साथ फिर से एक बार लेग ड्रॉप सजारो ने फायर किया है मोंटेस फोर्ड के ऊपर। सजारो विथ बहुत ही बढ़िया एप्रन से सुप्लेक्स, एप्रन से उठाकर रिंग में सुप्लेक्स ली है, बहुत ही बढ़िया मूव शानदार मूव। और अब ले चुके हैं उन्हें कॉर्नर में, फिर से एक बार टैग मिली है सेमस लीगल, ओ माय गॉड थ्रो कर दिया सीधा टर्न बकल पे और ये देखिए ओ माय गॉड डबल सोल के क्या टैग टीम मूव हमें देखने को मिल रहे हैं, ये देखिए सेमस खेल रहे हैं उनके साथ, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहा है, ये देखिए नो ओ माय गॉड रोड पे सीधा रोप को कलिजन हुआ और ये डबल माफ कीजिएगा सिंगल लेग नी स्ट्राइक उनके फेस पे। सेमस ने आयरिश व्हिप किया अपने कॉर्नर में, सजारो को टैग, ये देखिए ओ माय गॉड ये क्या देखने को मिल रहा है, ये कुछ अलग है और कंधे पे उठा लिया सेमस ने सजारो को, बहुत ही बढ़िया असिस्टेंट सेंटन पिन के लिए गए हैं वॉन, लेकिन एंजेलो डॉकिंस पहले ही आ गए, मैच को बचा लिया अपने पार्टनर को सेव कर लिया। और ये देखिए सजारो एंजेलो डॉकिंस को भी मार रहे हैं, ओ माय गॉड ये लीगल नहीं है चलता है पर ऐसे रिंग में नहीं। और ये देखिए मोंटेस फोर्ड के कॉर्नर में कोई नहीं, ओ माय गॉड हवा में उछाल कर यूरोपियन अपर कट कितने हद तक उछाला और शायद ये मैच यहीं पे खत्म होगा। नहीं ये अब और कोई आगे मैच नहीं क्योंकि ब्रोक की उनकी फिनिशर वो लग चुकी है। 1 2 3 ओ माय गॉड किक आउट किया और एंजेलो डॉकिंस भी आ गए और ये मैच बचा लिया। ओ माय गॉड मोंटेस फोर्ड क्या खेल रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस मोंटेस फोर्ड की तरफ से, किक आउट कर दिया ब्रोक किक पे अपने पहले ही मैच में और वो भी करंट रॉ टैग टीम चैंपियंस के सामने। और ये देखिए फिर से एक बार टर्न बकल में और फिर से एक बार वही मूव, ओह माय गॉड डबल सोल किक्स पीट रहे हैं वो दोनों, ह्यूमिलिएट कर रहे हैं अपने अपोनेंट को। ये देखिए मोंटेस फोर्ड फाइट बैक ही नहीं कर रहे हैं, कुछ भी शायद उनके पास बचा नहीं है। और सजारो फिर से एक बार अपने कॉर्नर में उनका टर्न बकल पे हेड को बाउंस कराया और टैग मिली है सेमस को। ये देखिए सजारो ने सजारो स्विंग ली है ओ माय गॉड ड्रॉप किक सीधा उनके हेड पे और ये पिन के लिए गए हैं, शायद ये मैच खत्म। 1 2 ओ माय गॉड अभी भी किक आउट किया है मोंटेस फोर्ड ने, मोंटेस फोर्ड का परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब, शानदार परफॉर्मेंस, स्टार परफॉर्मेंस, जो सुपरस्टार खेलते हैं वैसी परफॉर्मेंस, स्टार स्टडेड। क्या टैग टीम मैच हमें रॉ के पहले ही एपिसोड में देखने को मिल रहा है,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ये मोंटे स्पोर्ट की परफॉर्मेंस पसंद आई तो वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया, और शेयर कीजिएगा। ये देखिए मोंटे स्पोर्ट मैच में वापसी कर रहे हैं, गॉड, लेकिन सेमस ने वो वापसी को ख़त्म कर दिया, लेकिन अभी भी होप शायद बाकी है। फिर से एक बार मोंटेस्पोर्ट को गिराया, मोंटेस्पोर्ट अपने कॉर्नर के लिए क्रॉल कर रहे हैं, उन्हें शायद दिख नहीं रहा, लेकिन ओ माय गॉड ये बढ़िया स्ट्रेटेजी है, और उन्हें कह रहा है कि हटो, और वहाँ पे सेमस उनके जाल में फंस गए, और मोंटेस्पोर्ट ने अपने कॉर्नर में अपने साथी को टैग दे दी, और अब लीगल है एंजेलो डॉकिंस, उन्हें टैग मिल गई है एंजेलो डॉकिंस को। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सिंगल हैंडेड रनिंग बुल डॉग, बहुत ही बढ़िया मैच। वो झाल में मोंटेस्पोर्ट ने फंसाया सेमस को, वो यूनिक था, बहुत ही बढ़िया मूव उनके द्वारा, बहुत ही बढ़िया टेक्निक का उपयोग किया उन्होंने, पहले वो खुद नीचे चले गए और फिर उनको उकसाया, और ये देखिए बहुत ही बढ़िया आर्म ड्रैग, सेमस को धूल चटा रहे हैं टैग टीम चैंपियंस को एंजेलो डॉकिंस, और ये बहुत ही बढ़िया शोल्डर ब्लॉक के साथ सेमस फ्लोर पे, और ये पिक किया कॉर्नर में धकेला, और ये देखिए ओ माय गॉड बहुत ही बढ़िया क्लोज लाइन स्विंग किया हवा में, और फिर क्लोज लाइन लगाई, ओ माय गॉड नॉकआउट शॉट, सीधा जैब उनके फेस पे, ओ माय गॉड और ये टैग मिल चुकी है रेफरी उस साइड, और ये स्पाइन बस्टर फ्रॉग स्प्लैश स्ट्रीट प्रॉफिट्स की फिनिशिंग मूव पिन, ओ माय गॉड ये क्या किया उन्होंने, पिन नहीं कराया, ये शायद उनकी भूल हो सकती है स्ट्रीट प्रॉफिट्स की, उन्होंने पिन नहीं करवाया, और ये किया, ओ माय गॉड टर्न किया फिर से एक बार, ये पकड़ लिया, ओ माय गॉड काफी यूनिक मूव, स्ट्रीट प्रॉफिट्स इज ऑन फायर राइट नाउ, और ये टैग का मौका, ले ओ स्पियर लग चुकी है एंजेलो डॉकिंस कुछ अलग करने की सोच रहे हैं शायद, और ये देखिए शायद ये कॉर्नर रोल्स मार रहे हैं, और ये सजारो रिंग में और ये रनिंग ड्रॉप पे, सजारो ने रनिंग ड्रॉप किक मारी है, और अब एंजेलो डॉकिंस और ये रिवर्सल दे दिया, एंजेलो डॉकिंस उन्हें मारने गए थे, लेकिन सजारो ने सनसेट फ्लिप पावर बॉम्ब का उपयोग किया, सनसेट फ्लिप पावर बॉम्ब का उपयोग, और ये मोंटेस्पोर्ट सजारो की ओर देख रहे हैं, उनका ध्यान वही है, उनको पता ही नहीं कि सेमस खड़े हो चुके हैं, और ये शोल्डर ब्लॉक के साथ गिरा दिया, शायद सजारो की स्ट्रेटेजी काम आई, और सेमस फिर से एक बार मैच में वापसी कर चुके हैं, ओ माय गॉड फॉल अवे स्लैम, एंजेलो डॉकिंस इज डाउन एंड आउट, शानदार टैग टीम मैच हमें देखने को मिल रहा है, स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने पूरी जान लगा दी, और ये बिग बोट के साथ सेमस अपने कॉर्नर पे टैग मिली है, सजारो को टैग मिली है, ओ नो ब्रोक किक, सजारो ने ब्रोक किक मारी है, असिस्टेंट ब्रोक किक पिन के लिए गए हैं, 1 2 3 ओ माय गॉड मोंटेस्पोर्ट थोड़ा सा ही चूक गए, वरना ये मैच यहीं खत्म नहीं होता, ओ माय गॉड थोड़ा सा चूक गए और बाहर, ओ माय गॉड ये और पटपट, क्या मोंटेस्पोर्ट का परफॉर्मेंस रहा इस मैच का, स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने इम्प्रेस कर दिया आज, ये देखिए इस मूव के बावजूद भी उन्होंने किक आउट किया था, दाद देनी पड़ेगी स्ट्रीट प्रॉफिट्स के एफर्ट्स को, लेकिन बार रॉ टैग टीम चैंपियंस कामयाब उनको हराने में, और ये देखिए एंजेलो डॉकिंस सब आ गए थे, और क्या मैच देखने को मिला है हमें दोनों टीम से, बहुत ही बढ़िया मैच, धमाकेदार मुकाबला हुआ इन दोनों टीमों का, लेकिन अंत में बार स्टैंड्स डॉ सभी मूव का उपयोग, ये उनकी भूल थी शायद, उन्होंने पिन ही नहीं करवाया, पहले पिन के लिए गए थे लेकिन फिर उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि वो कुछ बड़ा करने की सोच रहे थे, तो
शायद ये उनकी भूल थी और उसी भूल का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा और बार ने विक्ट्री हासिल कर ली। लेकिन अभी अभी रिपोर्ट मिली है कि बैक स्टेज हो रहा है कैमरा, और जी हाँ कैमरा मैन वहाँ पे पहुँच गए और रेंज कर्ट एंगल के पास आए हैं। ओह माय गॉड, केविन ओन्स के साथ उनका मैच चाहिए रोमन रेंज को। ओह माय गॉड, कर्ट एंगल ने ग्रांट कर दिया है वो मैच नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट टाइम हमें यहाँ पे रो में देखने को मिलेगा, और वो भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। रेंज अग्री हो चुके हैं और नेक्स्ट वीक हमें ये मैच देखने को मिलेगा मेन इवेंट में, केविन ओन्स वर्सेस रोमन रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। लेकिन अब बढ़ते हैं आगे अपने इस मैच के लिए, शेल्टन बेंजामिन वर्सेस फिन बैलर। और मानना पड़ेगा कि टैम्पा फ्लोरिडा का क्राउड बहुत ही बढ़िया है, और रॉ का पहला ही एपिसोड इतना धमाकेदार। हम अपने तीसरे मैच की ओर बढ़ रहे हैं, शेल्टन बेंजामिन आ चुके हैं लेजेंड, बहुत ही बढ़िया रेसलर है, फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन भी हैं। और अगर आपने पुराने मैचेस देखे हैं 2000 से लेकर 2010 तक, तो काफ़ी लेडर मैचेस में इन्वॉल्वमेंट है शेल्टन बेंजामिन का, काफ़ी बार लेडर टूटी भी है उनके ऊपर, तो शायद आपको याद होगा। लेकिन बहुत ही बढ़िया परफॉर्मर है शेल्टन बेंजामिन, और आज उनका टेस्ट है, क्योंकि आज पता चलेगा कि क्या अभी भी वो उसी तरह पहले की तरह परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि आज उनका मैच है बैलर क्लब के लीडर फिन बैलर के साथ। सभी आप लोग इन्हें जानते ही होंगे, क्योंकि कौन नहीं जाता बुलेट क्लब के फाउंडिंग मेंबर, उनके लीडर, जापान से सीधा WWE NXT में और फिर मेन रोस्टर में, इस इंसान को कौन नहीं जानता। हर जगह किसी भी कंपनी में गए हो वहाँ अपनी छाप छोड़ी है और वहाँ की वर्ल्ड चैंपियनशिप हासिल की है फिन बैलर। काफ़ी टैलेंटेड रेसलर और बहुत ही बढ़िया कनेक्शन है उनका क्राउड के साथ, तो आप अभी देखेंगे कुछ ही सेकंड्स में, और आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। ओह माय गॉड, सभी लोग उनके फैंस हैं, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। फिन बैलर हमेशा फेयर फाइट में बिलीव करते हैं और फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन भी हो सकते हैं, क्योंकि उनपे उनमें पोटेंशियल है वो इस ब्रांड को कैरी करने का। तो देखते हैं कि आज वो एक एक्सपीरियंस रेसलर के सामने कैसा लड़ते हैं। शेल्टन बेंजामिन को बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो भी पहले न्यू जापान में थे, उन्होंने भी काफ़ी वक्त इंडी रेस्लिंग सीरीज में गुजारा है, WWE में भी पहले खेले हैं, फिर से वो वापस आए हैं, तो कुछ तो अनोखा करेंगे। और ये देखिए ये मोमेंट, हर बार फिन बैलर जब ये उनकी स्टाइल करते हैं, ये मूव, ये टॉन्ट करते हैं, क्राउड इनके साथ देती है उनका, यही खास बात है उनका क्राउड के साथ, जो उनका कनेक्शन है शानदार। और उनका दूसरा पर्सोना भी है डेमन किंग, जब भी वो कुछ एंग्री हो जाते हैं, जब उनके कंट्रोल नहीं होता उनके ऊपर, तब वो दूसरा पर्सोना लाते हैं डेमन किंग। शायद हमें वो फ्यूचर में देखने को मिले, अगर मिलता है तो बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि डेमन किंग और फिन बैलर दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ओह माय गॉड, ये मैच की शुरुआत, ओह माय गॉड, रनिंग नी के साथ शेल्टन बेंजामिन ने तो हमला ही बोल दिया, सीधा फिन बैलर के ऊपर टूट पड़े हैं, और वो ओह माय गॉड, ये कैसी शुरुआत हमें देखने को मिली है फिन बैलर। ओह माय गॉड, किस तरह से देखिए आप, अपनी नी से उनके फेस के ऊपर रब कर रहे थे, वो भी बहुत ही पूरी तरह मार्क, शायद आप देख सकते हैं फिन बैलर के फेस पे। और ये देखिए बहुत ही ब्रूटल क्लोज गाय, शेल्टन बेंजामिन का एक नया और एग्रेसिव रूप हमें देखने को मिल रहा है आज। लेकिन फिन बैलर ने एक पे किक आउट कर दिया है, फिन बैलर काफ़ी जल्दी खड़े हो गए, आपने देखा ही होगा, लेकिन कोई भी चांस नहीं दे रहे हैं फिन बैलर। बैलर
बैलर फाइट बैक कर रहे हो भाई का फिर से एक बार और ये देखिए ओ माय गॉड पंचेस की बौछार बहुत ही ब्रूटल तरीके से असॉल्ट कर रहे हैं शेल्टन बेंजामिन फिन बैलर के ऊपर शेल्टन बेंजामिन फिर से एक बार फिन बैलर फाइट बैक करने की कोशिश कर रहे हैं और फोर आर्म्स की बौछार उनके ऊपर और ये देखिए नॉकआउट शॉट शायद वो नॉकआउट लेकिन नहीं वो खड़े हो गए वो खड़े हो चुके हैं ये देखिए रिवर्सल रिवर्सल और ये नी स्ट्राइक सीधा उनके फेस पे फिन बैलर डाउन एंड आउट वन टू ओ माय गॉड अपसेट होते होते रह गया अपसेट होते होते रह गया क्योंकि वो नी स्ट्राइक थी वो शेल्टन बेंजामिन की द्वारा बहुत ही बढ़िया नी स्ट्राइक थी ये देखिए फिर से एक बार वही मूव का इस्तेमाल फिर से एक बार शेल्टन बेंजामिन ने किया है और तीसरी बार करने की कोशिश लेकिन फिन बैलर ने रिवर्स किया है जर्मन सुप्लेक्स रनिंग जर्मन सुप्लेक्स फिन बैलर के द्वारा ये फिन बैलर उनके मोमेंट का इंतजार करते हुए और ये स्लिंग ब्लेड उनका ट्रेडमार्क मूव फिन बैलर दूसरी बार जी हाँ दूसरी बार स्लिंग ब्लेड यही मौके की तलाश में थे वो फिन बैलर और ये चॉप्स फोर आर्म्स कॉर्नर में आयरिश स्वीप कर दिया जैसा वो पोजीशन में चाहते और ये रनिंग चॉप ये फिन बैलर की स्पीड देखिए ओह माय गॉड ड्रॉप किक सीधा उनके हेड पे शानदार मूव ओह माय गॉड एटॉमिक बहुत ही शानदार मूव और स्पीड फिन बैलर की काफी लाजवाब ओह माय गॉड डबल फुट स्टॉम्प उनके स्टमक पे उनके पेट पे और ये घुमाया और 1916 फिन के लिए गए हैं वन टू ओ पिकआउट किया है शेल्टन बेंजामिन ने क्योंकि बेंजामिन बहुत ही एक्सपीरियंस रेसलर है और यही एक्सपीरियंस उन्हें आज काम आ रहा है फिन बैलर के सामने और ये देखिए बहुत ही बढ़िया कैप्चर सुप्लेक्स एक्सप्लोडर भी कह सकते हैं लेकिन कैप्चर उन्होंने नीचे गिराया था बहुत ही बढ़िया ये देखिए ओ माय गॉड मशरूम फुट स्टॉम्प फिन बैलर क्या मूव देखने को मिला है हमें फिन बैलर और कूडग्रा वन टू थ्री फिन बैलर पिन कर दिया शेल्टन बेंजामिन को और जीत हासिल कर ली उन्होंने इस मैच में शॉट पर ब्रूटल मैच नी स्ट्राइक दो बार तीसरी बार लेकिन जर्मन सुप्लेक्स से काउंटर कर दिया फिन बैलर अच्छा मैच देखने को मिला हम 1916 देखिए एलिवेशन देखिए इस साइड से उठा के इस साइड पर था बहुत ही बढ़िया मूव फिन बैलर ने लेकिन लास्ट में जब वो मशरूम फुट स्टॉम्प लगाया ओ माय गॉड और ये कू द ग्राउंड की फिनिशिंग गो राइट ऑन द बटन फिन बैलर काफी समय से साबित करते आए हैं कि वो रेडी है मेन इवेंट पिक्चर के लिए मेन इवेंट टाइटल सीन के लिए मेन इवेंट टाइटल अपॉर्चुनिटी के लिए और शायद मुझे लगता है कि फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन वो बनेंगे लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मैच की ओर और वो है हमारा मेन इवेंट डेनियल ब्रायन वर्सेस जॉन सीना विनर फेसेस ब्रॉक लेसनर एट एलिमिनेशन चैम्बर और जॉन सीना यहाँ पे ओ माय गॉड वेलवेट ड्रीम यहाँ पे ओ माय गॉड उन्हें वो रिटायर होने के लिए कह रहे हैं बहुत ही बड़े ओ माय गॉड ये तो इंसल्ट की है सीना के ओ माय गॉड
बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट सीना के द्वारा, कॉन्फिडेंस छलक रहा है सीना की नजरों में। ओ माय गॉड, सीना ने जो जवाब दिया है वेलवेटिन को, वेलवेटिन कुछ बोल ही नहीं पाए। सवाल यह है कि वेलवेटिन ड्रीम यहां पे रो में शायद ही आ गए हैं, ये काफी देखने वाली बात है। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मेन इवेंट के लिए। यस मैन डेनियल ब्रायन, और आज डेनियल ब्रायन का मुकाबला है जॉन सीना से। और इस मैच का जो भी विनर रहेगा, जो भी ये मैच जीतेगा, वो ब्रॉक लेसनर के सामने लड़ेगा एलिमिनेशन चेंबर में, और वो भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। ये एक नजरिए से देखा जाए तो नंबर वन कंटेंडर मैच की है, तो स्टेक्स काफी हाई है, दाव पे बहुत बड़ी चीज है। तो ये मैच डेफिनेटली बहुत ही लंबा और बहुत ही बढ़िया मैच होगा। और दोनों स्टार, ओह माय गॉड, देखिए आप क्राउड का सपोर्ट देखिए, झूम रही है पूरा एरिना अपनी फीट पे, यस यस कर रहा है डेनियल ब्रायन के साथ। यही खास बात है कि यस मैन डेनियल ब्रायन की, रिटायरमेंट से भी वापस आ गए हैं वो। उनकी करियर एंडिंग इंजरी थी, लेकिन उनसे भी वो लड़के आ गए हैं वापस, और आज उनका मुकाबला है द फ्रेंचाइज मिस्टर हसल, लॉयलिटी एंड रिस्पेक्ट, जॉन सीना। क्या बात करूँ इसकी, जॉन सीना की क्या बात करूँ, चाइल्डहुड हीरो, मेरे पर्सनल फेवरेट, इन्हें देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ। हर एक बच्चा बच्चा जानता है इनको, अगर वो WWE नहीं भी देखता, जॉन सीना का नाम तो सुनते ही उन्हें वो लाइट होती है, जॉन सीना है, एहसास होता है कि जॉन सीना कौन है, उनको पता है जॉन सीना कौन है और क्या है, उनका ये नेवर गिव अप एटीट्यूड शानदार, बहुत ही बढ़िया। फिन बैलर ने जो हासिल विक्ट्री हासिल की है, तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो तैयार है मेन इवेंट स्ट्रीम के लिए, लेकिन आज इन दोनों के बीच में है जो है वो, क्योंकि नंबर वन कंटेंडर्स मैच है। सीना ने जो वेलवेटिन के साथ की बात की, ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, उन्होंने वो कहा कि वो जीतेंगे ही ये मैच, तो कॉन्फिडेंट उनमें झलक रहा है, उन्हें उनकी आंखों में हम देख सकते हैं। लेकिन डेनियल ब्रायन भी कम नहीं है, डेनियल ब्रायन भी अपना बेस्ट देंगे, वो ऐसा लड़ेंगे शायद ही कोई ऐसा लड़ सकता है। और ये मैच शुरुआत होने जा रही है, और बेल बज चुका है, दोनों आमने सामने, और कॉलर एंड एल्बो टायर। डेनियल ब्रायन ने जॉन सीना का लेफ्ट हैंड लिया और उनके शोल्डर जॉइंट की स्ट्राइक की। डेनियल ब्रायन, जॉन सीना, और जॉन सीना ने बहुत ही बढ़िया तरीके से रिवर्स किया है, काउंटर कर दिया है मूव का, उनके हाथ पे टोक दे रहे हैं, लेकिन डेनियल ब्रायन फिर से एक बार उनके लेफ्ट हैंड पे वर्क कर रहे हैं। फिर से एक बार जॉन सीना ओपनिंग ढूंढ रहे हैं काउंटर करने की, और शायद उन्होंने ढूंढ ली, और उसी मूव का उपयोग डेनियल ब्रायन ने जो किया था वही सीना ने, लेकिन फिर से एक बार सीना को गिरा दिया डेनियल ब्रायन ने, और फुजीवारा आर्मबार ले लिया, और ये आप देख सकते हैं टॉर्च। लेकिन सीना रोल अप करके रिवर्स, फिर से एक बार कॉलर एंड एल्बो टाइप, बहुत ही बढ़िया टेक्निकल शुरुआत हमें इस मैच की देखने को मिल रही है। और जॉन सीना, ओ माय गॉड, उनके हाथ पे देखो, देख सकते हैं कि कौन कितना टॉर्च, और डेनियल ब्रायन ने अब उनका हाथ लिया, एक फॉर टैग, ओ माय गॉड, ड्रॉप किक सीधा उनके फेस पे, और ये चॉप, ये ओ माय गॉड, बाहर देख लिया डेनियल ब्रायन ने जॉन सीना को, और डेनियल ब्रायन और सीना खड़े होते हुए, और ये देखिए नीचे के रोप से स्लाइडिंग ड्रॉप ने सीना को गिरा दिया, काफी यूनिक मूव, ये कुछ नया देखने को मिला हमें आज।
और आज तो शायद मुझे लगता है बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। ये देखो जॉन सीना ने पिक कर लिया है डेनियल ब्राइन को, डेनियल ब्राइन को, और ये देखिए क्या स्लैम दी है टेबल के ऊपर, डेनियल ब्राइन को खड़ा किया और रिंग में भेजा है जॉन सीना ने। जॉन सीना ये सोच कर ही आए हैं कि आज उन्हें ये मैच जीतना ही है, क्योंकि अगर वो ये डेनियल ब्राइन को हुआ कि वो सीना गिर गए और डेनियल ब्राइन उनके पास जाते हुए, लेकिन सीना ने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, मौका, ओ माय गॉड एप्रन पे सुप्लेक्स, एप्रन से सीधा फ्लोर पे, ओ माय गॉड, लेकिन डेनियल ब्राइन नो बोलते हुए सीना को अपना जज्बा दिखाते हुए, लेकिन सीना भी फाइट टैप कर रहे हैं। ओ माय गॉड, डेनियल फिर से एक बार एप्रन से उठाया रिंग की दूसरी तरफ से और सीधा फ्लोर पे सुप्लेक्स, बहुत ही खतरनाक मूव सीना की तरफ से, और आज हमें इन दोनों से कुछ नया देखने को मिल रहा है। तो आज बहुत ही मजा आने वाला है इस मैच में, अभी तो इस मैच की सिर्फ शुरुआत हुई है। पिन के लिए गए हैं एल्बो ड्रॉप के बाद, इजी पिक अप वन पे, ओ माय गॉड स्नैप में, रनिंग स्नैप में, काफी दिनों बाद सीना का ये मूव हमें देखने को मिला। सीना मिडल रोप पे डेनियल ब्राइन को पुकारते हुए, बुलाते हुए, कहते हुए कि ये मैच अभी खत्म, लेकिन नहीं, ओ सीना स्मार्ट मूव, डेनियल ब्राइन सीधा नीचे, फिर से एक बार सीना को रिंग के अंदर, काफी अंदर बार हुआ है इस मैच में अभी तक, बहुत ही बड़ा फुजीवारा आर्मबार लिया है डेनियल ब्राइन ने, फुजीवारा आर्मबार, पहले ही सबमिशन मूव से शुरुआत कर दी है, लेकिन डेनियल ब्राइन को रोल कर दिया सीना ने, बहुत ही बढ़िया रिवर्सल दिखाया, सीना सिट आउट पावर बॉम्ब, पिन के लिए गए हैं 1 2 और किक आउट, बहुत ही बढ़िया सीक्वेंस देखने को मिली हमें। और अब सीना ने लॉक लिया है, सीना ने बहुत ही बढ़िया लॉक लिया है, लेकिन उनका सबमिशन भी डेनियल ब्राइन ने रिवर्स कर दिया, और हरिकर राणा बहुत ही बढ़िया मूव, और उनके आर्म को टारगेट कर रहे हैं डेनियल ब्राइन, और पिन के लिए गए हैं 1 और एक पे किक आउट, उनके आर्म को ही टारगेट कर रहे हैं वो, पहले से ही मैच की शुरुआत ही वहीं से हुई थी, और ये बहुत ही बढ़िया यूरोपियन अपर कट, सीधा कॉर्नर में स्टंड हो चुके हैं सीना, और ये पंचेस 1 2 3 4 5 क्राउड भी काउंट करती है 6 7 ओ, लेकिन 8वें पंच पे सीना ताकत आई, और ये बहुत ही बड़ी क्लोज लाइन सीना के द्वारा, बहुत ही बड़ी क्लोज लाइन, और ये सीना वो समय आ चुका है 5 नकल शफल का, 5 नकल शफल, ओ माय गॉड, और शायद हमें जो देखना है वो देखने को मिले, और एक ही तैयारी सीना एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाने को तैयार, लेकिन डेनियल ने रिवर्स किया डेनियल ब्राइन, तो यस किक्स, ओ माय गॉड, और ये देखिए उनकी चेस्ट पे, और ये राउंड हाउस किक के साथ कॉम्बो खत्म करते हुए डेनियल ब्राइन ऊपर से टॉप रोप पे गए हैं, डेनियल ब्राइन फ्लाइंग बोट हेडबॉट, लेकिन सीना खड़े हो गए, सीना एंड टाइम पे खड़े हो गए, और वो फ्लाइंग बोट नहीं लगा, और ये सीना एटीट्यूड एडजस्टमेंट, पिन 1 2 ओ माय गॉड किक आउट, ओ माय गॉड बहुत ही क्लोज किक आउट 2.9%, लेकिन सीना अभी भी कह रहे हैं कि चलो, ओ माय गॉड ए पे किक आउट किया है डेनियल ब्राइन, वो साबित करते हुए कि इंजरी के बाद भी पहले के जैसे ही खेल रहे हैं वो। जॉन सीना विद अ टोर्नेडो डीडीटी, क्या मेन इवेंट हमें देखने को मिल रहा है, शानदार लाजवाब, सीना कुछ सोच रहे हैं, सीना विद अ स्नेक आईज टर्न बकल पे, डेनियल ब्राइन स्टंड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी रिवर्स
फिफ्थ किक उनके साइड किक दी है उनके लेग्स पे, और ये देखिए फिर से एक बार स्नैप, डेनियल ब्राइन बैक सुप्लेक्स, लेकिन सीना उनके होकर उनका वेट उन पे ट्रांसफर कर दिया, और ये बहुत ही बढ़िया काउंटर किया है जॉन सीना ने बहुत ही बढ़िया काउंटर किया है जॉन सीना, बहुत ही बढ़िया राइट हुक, और ये देखिए किक के साथ वार करते हुए डेनियल ब्राइन मैच को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। डेनियल ब्राइन ने सीना को बाहर फेंकते हुए डेनियल ब्राइन सोच रहे हैं ओ माय गॉड, स्पीड देखिए, सुसाइड डाइव, दिस इज ऑसम का चांस, ओ माय गॉड, मिडल रोप से सीधा सुसाइड डाइव, बहुत ही बढ़िया मूव, बहुत ही बढ़िया, और सीना को रिंग में भेजा है डेनियल ब्राइन ने, और अब डेनियल ब्राइन और सीना खड़े होते हुए डेनियल ब्राइन इशारा करते हुए सोच रहे हैं, वो टाइम ले रहे हैं अपना, उन्हें वो पोजीशन में चाहिए, खड़े हुए पोजीशन में, और ओ माय गॉड फ्रंट ड्रॉप से टॉप रॉप से सीना डाउन एंड आउट, डेनियल ब्राइन फिर से एक बार, डेनियल ब्राइन टॉप रॉप पे, ओ माय गॉड एल्बो ड्रॉप उनकी बैक पे, डेनियल ब्राइन यस के चांस करते हुए, डेनियल ब्राइन ये देखिए, डेनियल ब्राइन आयरिश व्हिप करते हुए, और ये देखिए ओ माय गॉड बहुत ही शानदार मूव, काउंटर किया बहुत ही बड़ी क्लोज लाइन, बहुत ही बड़ी क्लोज लाइन डेनियल ब्राइन के द्वारा, डेनियल ब्राइन ओ माय गॉड लेग हुक लिया है उन्होंने, लेग हुक सबमिशन मूव, लेग हुक लिया है डेनियल ब्राइन ने, ओ माय गॉड सीना, ओ माय गॉड बूट टू द फेस, बहुत ही जोर से बूट टू द फेस, सीना ने बहुत ही बढ़िया रिवर्स किया, लेकिन डेनियल ब्राइन भी रिवर्स करते हुए, डेनियल ब्राइन विद रनिंग हरे कराना, डेनियल तैयार, रनिंग हाई नी, रनिंग नी डेनियल ब्राइन के द्वारा, 1 2 ओ माय गॉड सीना किक आउट, ओ माय गॉड डेनियल ब्राइन को विश्वास नहीं हो रहा कि क्या देख लिया उन्होंने, ओ माय गॉड सीना ने किक आउट किया डेनियल ब्राइन की फिनिशर में, डेनियल ब्राइन ने किक आउट किया सीना की फिनिशर में, दोनों ने एक एक फिनिशर और सिग्नेचर मूव अपने लगा लिए हैं, और ये देखिए क्या स्ट्राइक दी है जॉन सीना ने, डेनियल ब्राइन काफी स्टंड हो चुके हैं, और ये ड्रॉप किक दी है, बहुत ही बढ़िया ड्रॉप किक, एग्जीक्यूशन परफेक्ट तरीके से उस ड्रॉप किक का, और आयरिश व्हिप कर दिया है जॉन सीना और डेनियल ब्राइन ने, और टॉप रोप पे ले जा रहे हैं डेनियल ब्राइन जॉन सीना को, ओ माय गॉड ऊपर से हरी कराना की कोशिश, लेकिन डेनियल को पकड़ लिया, ओ माय गॉड जॉन सीना टॉप रोप से पावर बॉम्ब पिन के लिए गए हैं, क्या ये काफी हो सकता है, क्या ये मैच नहीं खत्म होगा, तो ओ नो किक आउट डेनियल ने किक आउट किया 2.9 पे, ओ माय गॉड अनबिलीवेबल मैच सीना ने एसपीएफ ली है अपना सबमिशन मूव, अपना ट्रेडमार्क मूव, अपना सबमिशन, काफी टाइम से ये मूव को यूज कर रहे हैं काफी बड़े सुपरस्टार ने, ओ माय गॉड डेनियल ने लेकिन काफी सुपरस्टार्स ने इसमें टैप आउट किया, लेकिन डेनियल हार मानने को तैयार नहीं अभी भी, डेनियल ब्राइन मैच को अभी भी अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे, लेकिन सीना ने रिवर्स कर दिया, सीना ने वो मोमेंटम तोड़ दिया, और ये सीना को तलब करने की कोशिश हो रही है, राइट हैंड सीना मिडल रोप से, ओ माय गॉड सुपर एटीट्यूड एडजस्टमेंट ये मैच यही खत्म, तो ओ नो ओ माय गॉड डेनियल ब्राइन किक आउट किया दूसरी बार, और इस बार सुपर एम एन मिडल रोप से सीना ने अपना फिनिशिंग मूव लगाया, लेकिन उस पर भी डेनियल ब्राइन ने किक आउट कर दिया है,
सुपर है इसे बोला जाता है स्मो को, और उस पर देखिए काउंट, ये देखिए सीना और डेनियल ब्रांड कलिजन कोर्स, और ये स्ट्राइक देखिए सीना की, डेनियल ब्रांड नो कहते हुए, डेनियल ब्रांड अभी भी नो कहते हुए, डेनियल ब्रांड कहते हैं ब्रिंग इट ऑन कम ऑन, ओ माय गॉड क्या स्ट्राइक दिए, लेकिन डेनियल रिवर्स करते हुए, डेनियल ब्रांड रिवर्स कर दिया है, डेनियल ब्रांड सीना को ले जाते हुए कॉर्नर में, डेनियल ब्रांड रनिंग ड्रॉप के, ओ माय गॉड अभी भी दूसरी बार रनिंग ड्रॉप के, डेनियल ब्रांड काफी फॉर्म में, बहुत ही बढ़िया कमबैक किया है डेनियल ब्रांड ने यूरोपियन ओपन पर, एक के फिर से एक बार फिर से एक यूरोपियन ओपन कट, डेनियल ब्रांड क्या कर रहे हैं, सीना को फेंका एप्रन के ऊपर, डेनियल ब्रांड ओ माय गॉड ओ नो पाइल ड्राइवर, एप्रन से पाइल ड्राइवर सीधा फ्लोर पे, ओ माय गॉड ये शायद इस मूव ने सीना की नेक तोड़ दी होगी शायद, ओ माय गॉड, लेकिन सीना अपनी फीट पे ओ माय गॉड, सिर्फ फोर या फाइव काउंट और ये कह रहे हैं आई विल नॉट गिव अप, ओ माय गॉड, टाइगर सुप्लेक्स उन्होंने कहा कि आई विल नॉट गिव अप, ओ माय गॉड उनका नेवर गिव अप एटीट्यूड, डेनियल ब्रांड ओ माय गॉड सिंगल लेग रनिंग हाई नी वन टू थ्री, डेनियल ब्रांड नंबर वन कंटेंडर बन चुके हैं, उन्होंने जॉन सीना को हरा दिया, बहुत ही बड़ी विक्ट्री, और अब उनका मुकाबला होगा ब्रॉक लेसनर से एलिमिनेशन चेंबर पे, और वो भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, और डेनियल ब्रायन इस हद तक जाएंगे मुझे पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने एक करियर एंडिंग मूव का उपयोग किया पाइल ड्राइवर का सीना की नेक के ऊपर, लेकिन अब उनका कॉल आउट हम नेक्स्ट वीक देखेंगे, तो देखना ना भूलिएगा रॉ और स्मैकडाउन, और लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल अभी तक ना की हो तो अब हम अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।